नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अभिनेता ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अपना समर्थन दिया, जिन्हें क्रूज पर ड्रग्स के संबंध में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड स्टार ऋतिक ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान उन्हीं लोगों को बड़ी परेशानियां देते हैं जो उन बड़ी मुश्किलों का सामना करने का दम रखते हैं। ऋतिक ने कहा, भगवान केवल सबसे मजबूत लोगों को ही खेलने के लिए सबसे कठिन गेंद देता है। बता दें कि 23 वर्षीय आर्यन खान को एक लग्जरी क्रूज लाइनर पर एक रेप पार्टी का भंडाफोड़ करने के बाद गिरफ्तार किया गया। ऋतिक ने आर्यन की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए जीवन को एक अजीब राइड कहा। ऋतिक रोशन ने अपने इस नोट में लिखा है, क्या लिखा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मेरे प्रिय आर्यन, जीवन एक स्ट्रेंथ राइड है। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि अनिश्चित है। ये इसलिए भी अच्छी है क्योंकि ये कभी कभी मुश्किलें भी लाती है, मगर भगवान बहुत दयालु हैं। वो उन्हीं लोगों को बड़ी परेशानियां देते हैं जो उन बड़ी मुश्किलों का सामना करने का दम रखते हैं। तुम अब जान गए हो कि तुम्हें भी इसके लिए चुन लिया गया है, क्योंकि अब तुम खुद पर दबाव महसूस कर पा रहे होंगे। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रही होगी, असहाय महसूस कर रहे होंगे। यही वो चीजें हैं जो जलनी चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर का हीरो बाहर आ सके। हालांकि ये वो चीजें भी हैं जो अच्छी चीजों को भी जला देती है, जैसे दया, भावना और प्यार। ऋतिक ने आगे कहा कि खुद को थोड़ा जलने दो, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये सब तुम्हारे अंदर है और तुम्हें अनुभव के साथ पता चलेगा कि क्या तुम्हें अपने अंदर रखना है और किसे बाहर कर देना है। तुम जान सकते हो कि कैसे तुम इसके साथ और आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें एक बच्चे के रूप में जानता हूँ और मैं तुम्हें एक आदमी के रूप में भी जानता हूँ। इसे अपना बनाओ। आप जो कुछ भी हो, अनुभव करते हो, वो आपके हैं, वे आपके गिफ्ट हैं। ऋतिक ने निष्कर्ष निकाला, केवल अगर आप शैतान को उसकी आंखों में देखा है और शांत रखा है, शांत रहें, निरीक्षण करें। ये क्षण आपके टॉम को निर्माता है और टॉम एक शानदार सूरज चमकने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे में जाओ। शांति अभी भी अपने मालिक है और प्रकाश पर भरोसा है, भीतर है, यह हमेशा है। लव यू यार। ये तमाम बातें ऋतिक रोशन ने आर्यन खान के लिए लिखी हैं, जो काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन के साथ ही सुचित्रा, कृष्णमूर्ति, पूजा भट्ट और हंसल मेहता जैसे कई बॉलीवुड हस्तियां भी शाहरुख और उनके बेटे आर्यन के समर्थन में सामने आई हैं। तो आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, ये भी ताजा अपडेट मिल रहा है। और आपको बता दें कि NCB से जवाब दाखिल करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में अपने 9 गेस्ट हाउसों का नाम नदियों या हिंदू धार्मिक स्थलों के नाम पर रख दिया है। राज्य के समता विभाग के अनुसार दिल्ली में यूपी भवन को अब संगम कहा जाएगा, जबकि यूपी सदन को त्रिवेणी के नाम से जाना जाएगा। वहीं महात्मा गांधी मार्ग पर लखनऊ स्थित VVIP गेस्ट हाउस को VVIP गेस्ट हाउस साकेत कहा जाएगा। इसके साथ ही जौलीबाग में गेस्ट हाउस को VIP गेस्ट हाउस यमुना के नाम से जाना जाएगा, जबकि विक्रमादित्य मार्ग और मीराबाई मार्ग पर स्थित गेस्ट हाउस को गोमती और सरयू कहा जाएगा, जबकि बटलर पैलेस कॉलोनी के गेस्ट हाउस को निमिश्रण कहा जाएगा। इसके साथ ही मुंबई में स्टेट गेस्ट हाउस अब यूपी स्टेट गेस्ट हाउस वृंदावन के नाम से जाना जाएगा, जबकि कोलकाता में गेस्ट हाउस को यूपी स्टेट गेस्ट हाउस गंगा कहा जाएगा। तो यूपी सरकार ने 9 गेस्ट हाउसों के नाम बदले हैं, ये धार्मिक हैं, नदियों के नाम पर रखे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी योगी सरकार में जिलों के नाम बदलने का चलन जो है वो बहुत तेजी के साथ हुआ था, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, मैनपुरी का नाम बदलने की कवायदें चल रही हैं, लखनऊ का नाम बदलने की कवायदें चल रही हैं। तो ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि जो यूपी सरकार के 9 गेस्ट हाउस है उनका भी नाम बदला गया है, नदियों और धार्मिक स्थलों के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का नवासीवा स्थापना दिवस मनाएगा। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा है कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूं, जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को बताना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन
नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज वायुसेना दिवस जो है वो तेजी के साथ मनाया जा रहा है और तमाम तस्वीरें भी लगातार गाजियाबाद से सामने आई है। हिंडन एयरबेस पर जो फाइटर जेट हैं वो लगातार देखने के लिए मिले, जवानों का हैरतअंगेज कारनामा आसमान में देखने के लिए मिला। वायुवीर इन फाइटर जेट के साथ करतब करते हुए नजर आए। वहीं इसे ये कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की ताकत बीते कई सालों में दोगुनी होती हुई नजर आ रही है और जैसे जैसे पूरी दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे भारत की वायुसेना भी आधुनिकता के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए तो राफेल, चिनूक जैसे फाइटर जेट जो हैं वो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं। MiG-21 हो, MiG-13 हो, इसके अलावा तेजस हो, तमाम ऐसे जो फाइटर जेट हैं वो लगातार वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहे हैं, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में जिस तरह से आज अपने शौर्य का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया भारतीय वायुवीरों की तरफ से, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो भारत की तरफ गंदे निगाह से देखते हैं, उनके भी पसीने छूटते हुए नजर आए होंगे। वहीं राजस्थान उपचुनाव के सहारे कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद दूर कर दूरियां पाटने की तैयारी में जुटा है। दरअसल अब तक केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से ही उपचुनाव के प्रचार में शामिल होने का ऐलान किया गया था, लेकिन गुरुवार को आलाकमान की ओर से अचानक सचिन पायलट को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इस बीच आलाकमान और गहलोत की ओर से ये संकेत भी दिए गए हैं कि पंजाब जैसे हालात राजस्थान में नहीं बनने दिए जाएंगे। फिलहाल इसी प्लान के तहत कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान में काम कर रही है। बता दें कि सचिन पायलट उपचुनाव के लिए शुक्रवार को दो रैलियों को संबोधित कर सकते हैं। पहले वो सुबह 11 बजे वल्लभनगर की सीट को संबोधित कर रहे हैं और उसके बाद दोपहर 1 बजे यानी कि बस कुछ ही देर में धरियावाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करने वाले हैं। पार्टी ने इसके लिए एक हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की है। गौरतलब है कि मंगलवार शाम सचिन को हाईकमान की ओर से अचानक दिल्ली आने को कहा गया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले प्रमोद कृष्णन के साथ उन्हें सड़क मार्ग से लखीमपुर खीरी रवाना किया गया था। हालांकि देर शाम सचिन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुरादाबाद में ही हिरासत में ले लिया, गुरुवार सुबह यूपी बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया। सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन लखीमपुर खीरी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन सचिन आलाकमान तक अपना मैसेज पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे हैं। इसी बीच आलाकमान ने राजस्थान उपचुनाव में सचिन की भी भूमिका तय कर दी है। सचिन पायलट से इतर अगर पार्टी के अन्य नेताओं की बात करें तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह दोनों सीटों पर नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। तो पंजाब की तर्ज पर राजस्थान को पूरी तरह से मतभेदों में नहीं पढ़ने देना चाहती है कांग्रेस, और इसी सिलसिले में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें कम करने की कोशिश यहां कांग्रेस कर रही है, क्योंकि पंजाब में हमने देखा कि किस तरह के हालात देखने के लिए मिले हैं। पंजाब में कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे कयास विशेषज्ञ लगा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा ना हो इसको लेकर अभी से ही कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है कि कोयले की कमी और उच्च आर्द्रता के स्तर के कारण बढ़ती बिजली की मांग के मद्देनजर बिजली संकट मंडरा रहा है। राज्य के ऊर्जा विभाग के अनुसार देश भर में 16 बिजली परियोजनाओं में से 8 के पास केवल 6 दिनों के लिए कोयले का भंडार है, जबकि 109 गैर पिथड परियोजना में से 25 ने 1 सप्ताह के लिए स्टॉक रखे हैं। त्योहारी सीजन के चलते बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। 67 परियोजनाओं के पास केवल 4 दिनों के लिए कोयला भंडार बचा है। उत्तर प्रदेश के मामले में संकट का सामना कर रहे बिजली परियोजनाओं में अनपरा 2630 मेगावाट, ओबरा 1000 मेगावाट और परीचा 920 मेगावाट और हरदुआगंज 610 मेगावाट शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि राज्य भी कोयले की कमी से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन कंपनी के अधिकारी स्थिति में सुधार के लिए कोयला मंत्रालय के संपर्क में हैं। शर्मा आगे कहते हैं कि राज्य सरकार शेड्यूल के अनुसार ग्रिड में बिजली देने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि कोयले की कमी के कुछ कारण केंद्रीय और निजी परियोजनाएं कम लोड पर चल रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये कमी अत्यधिक वर्षा के कारण हुई है, जिससे कई खदानें पानी से पूरी तरह से भर गई हैं। कमी तो कोयले की हुई है, लेकिन आगे चलकर त्योहारी मौसम में बिजली का संकट गहरा सकता है।
लखीमपुर खीरी जिले में बीते दिनों तिकोनिया हिंसा के दौरान 4 किसानों की मौत पर लगातार सियासत देखी जा रही है, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां मृतक के परिजनों से मिलकर उनका हर संभव मदद करने का आश्वासन देती नजर आ रही हैं। इसी के चलते गुरुवार को बीएसपी सांसद सतीश चंद्र का काफिला भी पलिया होते हुए चौखड़ फार्म पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने निघासन पहुंचकर मृतक पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से भी मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने हर कदम पर साथ रहने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि किसानों के साथ साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया और जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे फिर वो गृह राज्य मंत्री का बेटा ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सियासत बहुत तेज है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और या फिर आरएलडी हो, तमाम जो राजनीतिक दल हैं इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और बसपा कहीं ना कहीं पीछे थी, लेकिन अब भी वो फ्रंट फुट पर आ गई है। सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे पीड़ित परिवारों के पास और वहां जाकर उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है, ढांढस बंधाया और कहा है कि हर संभव वो मदद करेंगे। साथ ही साथ वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए भी नजर आए। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी इस पूरे मामले में अपराधी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वे कोई आम नागरिक हो या फिर किसी मंत्री का बेटा हो। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर बसपा कहीं ना कहीं चुप थी, अभी तक कोई बयानबाजी नहीं हो पा रही थी बसपा की तरफ से। हालांकि ट्वीट जरूर देखे गए थे, लेकिन अब सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं, संजय सिंह भी कर चुके हैं, इसके अलावा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मुलाकात कर चुके हैं और आज नवजोत सिद्धू भी पहुंच सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, इसी जानकारी मिल रही है। यानी कहा जा सकता है कि पूरा विपक्ष अब प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है, इस पूरे मुद्दे को बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। अगर इस पूरे मामले में अपडेट की बात करें तो जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं आशीष मिश्रा, उनको आज 10 बजे पहुंचना था लेकिन वो नहीं पहुंचे। सीधे तौर पर समन भेजा गया था कि उन्हें अपना बयान दर्ज कराना है, लेकिन वो 10 बजे नहीं पहुंचे। अब तो काफी समय बीत गया है। वहीं उनके रिश्तेदारों की तरफ से लगातार मीडिया के सामने बयान दिए जा रहे हैं कि वो कहीं भागे नहीं हैं और वो लखीमपुर खीरी में ही हैं। देर हो रही है लेकिन वो जरूर सामने आएंगे। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के और शासन प्रशासन की तरफ से जो इस तरह की बातें कह रहे हैं, उनको अपनी गिरेबा में झांक के देख लेना चाहिए और उनको सोचना चाहिए, कहने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि आप इतने ऐसे मामले में इस तरह की बात करते हैं जहां पर कि कोई न्याय की बात करने अगर आ रहा है। उन्होंने तो किसी को यहां आने ही नहीं दिया, हमको तो 3 दिन नज़रबंद रखा, हमको तो आज परमिशन मिली यहां आने के लिए, हम तो उसी दिन रात में आ रहे थे। तो जब आप किसी को पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, कोई अपने आँख से देख ना सके, अब समझ ना सके, तो ये तो छिपाने का काम हो रहा है। और वहाँ पर अभी हम लोग परिवार से मिल करके आ रहे हैं, प्रप्रीत करके बच्चा है उसके, वहाँ पर उसके जिस दोस्त के साथ में था उसकी तो डेथ हो गई, जिस परिवार में डेथ हुई है उस वो वहाँ पर कुर्सी में पड़ा हुआ है। आप लोग जा करके उससे मिलिए, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई दो जगह और उसके एक और फ्रैक्चर हो गया, कुर्सी में पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला नहीं है और वो घायल व्यवस्था में पड़ा हुआ आज भी अभी भी, और उसको ना इलाज हो रहा है, ना उसको ले जाने का काम हो रहा है, ना उसके इलाज करने का काम हो रहा है। तो ये तो ये सवाल पूछिए ना ऐसे लोगों से जो आपसे ये बात कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गौरव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, लखीमपुर खीरी पर सियासत बहुत तेज है, अब तो बसपा भी पीछे नहीं हट रही है, बसपा भी पहुंची है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का आश्वासन विपक्षी दल दे रहे हैं परिवार को? जी, आपको बता दें दरअसल बीते दिनों जो जो चिंता हुई थी जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तमाम विपक्षी दल हैं जो सरकार को घेरने में इस टाइम लगे हुए हैं और लगातार विपक्षी दलों द्वारा लगातार सरकार पे हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए इस पूरे मामले पे, अभी भी जो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं आशीष मिश्रा, वो अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, ना ही वो पुलिस के सामने आए हैं, 10 बजे का समय मिला था, क्या कोई अपडेट है? क्योंकि उनके परिजन जो हैं, जो उनके चचेरे भाई हैं, जो उनके भाई हैं, वो लगातार मीडिया से ये कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो लखीमपुर खीरी में ही हैं। अगर लखीमपुर खीरी में हैं तो फिर क्यों पेश नहीं हो रहे हैं? देखिए, लगातार प्रशासन पे आरोप लगाए जा रहे थे कि आरोपियों पर गिरफ्तारी नहीं हो रही, जिस पर आईजी लक्ष्मी सिंह ने कल मीडिया को बताया था
कि इस घटना में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं मुख्य आरोपी के घर कल नोटिस चस्पा कर 10 बजे तक क्राइम ब्रांच में पेश होने को कहा गया था। अब कयास यह लगाया जा रहा है कि मुख्य आरोपी किसी भी वक्त हाजिर होकर अपना बयान दे सकता है। बिल्कुल, यहाँ गौरव, अगर पीड़ित परिवारों की हम बात करें, 4 किसानों की जान चल गई, इसके अलावा 1 पत्रकार हैं और 3 बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। परिवारों की तरफ से क्या कुछ मांगे रखी गई हैं? जो किसानों और सरकार के बीच वार्ता हुई थी 6 राउंड की, उसमें 45 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी, क्या इससे संतुष्ट है परिवार या इंसाफ ही चाहिए? देखिए, परिजनों का तो लगातार परिजन सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यहाँ हालांकि जहाँ तक 10 घायलों को 10 लाख रुपए और क्या कहते हैं मृतकों को 45 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात कही गई थी, तो कई लोगों को अभी उसमें चेक भी मिल गए हैं। और देखने वाली बात यह है कि अब लोगों जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, तो अभी तक कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 2 आरोपी थे लवकुश गुप्ता और आशीष पांडे। इनको कल ही आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज लखीमपुर खीरी में भी कुछ टीम पहुंची है और लखीमपुर खीरी में मीडिया का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। और जैसा बताया जा रहा था कि अभी तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो जहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी का घर है, वहां से नेपाल बॉर्डर के मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्य आरोपी जो है वो नेपाल को नहीं भाग गया। बिल्कुल, लेकिन गौरव, जो अगर उनके जो अभिजात मिश्रा जो उनके भाई हैं और अमित मिश्रा जो उनके भाई हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आशीष मिश्रा है उनका फोन तो ऑफ है लेकिन वो कहीं नहीं गए हैं। हालांकि लोकेशन की बात की जाए तो उनकी लोकेशन पता चली थी कि वो नेपाल में है। जी, तो आखिर सच कौन बोल रहा है? क्या वो लोकेशन सच है या फिर जो उनके परिवार वाले बोल रहे हैं सच्चाई उसमें है? देखिए, सूत्रों के अनुसार जैसा बताया जा रहा है कि वहां से जो नेपाल, इनका जो घर है वहां से नेपाल की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह कि लखीमपुर खीरी में है, जानकारी तो यही मिल रही कि नेपाल में जा सकते हैं, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं आज मीडिया का जमावड़ा लगा था और लखीमपुर खीरी में आज उनको 10 बजे हाजिर भी होना था। फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिल रही है, पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई कि नेपाल में है कि लखीमपुर खीरी में है। फिलहाल आज उनको वहां पर पेश होना है और अब देखने वाली बात यह है कि वो आप क्राइम ब्रांच के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखेंगे कि या फिर नहीं पहुंचेंगे मौके पर। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बना के रखेगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो लखीमपुर खीरी पर सियासत तेज है लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं हरियाणा के विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को दोषी ठहराया। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने 19 साल पहले 2002 में हुए मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए गुरमीत राम रहीम सहित 4 को दोषी करार दिया है। बता दें कि इस मामले में कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगा। शुक्रवार को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। इस मामले में एक और अन्य आरोपी कृष्ण कुमार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से ही पेश किया गया, जबकि बाकी 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को साल 2002 में हुए मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है और अब सीबीआई अदालत सभी आरोपियों को 12 अक्टूबर को सजा सुना सकती है। लखीमपुर हिंसा मामले में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरिता वापस होगी, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के मुताबिक दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तत्कालीन समाधान नहीं है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का नाम लेने की बजाय उसे जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में प्रशांत का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। 2014 में बीजेपी का चुनाव प्रचार का काम देखने के बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर सबसे प्रशांत जो हैं वो चमक रहे हैं, लगातार उनका प्रभाव बढ़ता ही गया है। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि कई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को अपने साथ लाने को तैयार हैं।
प्रशांत किशोर ने शुरुआत में 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ काम किया था और उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे और पार्टी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के साथ काम किया था। उन्होंने पंजाब में भी कांग्रेस की सहायता की। वो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार थे। इसके अलावा वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एम के स्टालिन और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ भी काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, जहां विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रदेश सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इक्का दुक्का बयान जरूर सामने आ रहा है। आगरा के थाना सदर की डिफेंस कॉलोनी में बीती रात चोरों ने एक मकान पर धावा बोल दिया, जहां एक नए मकान का गृह प्रवेश होना था और कल ही मकान में सारा सामान शिफ्ट किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने ज्वेलरी भी नए मकान में रख दी थी, जहां बीती रात को उनके मकान में चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक चोर करीब 4 लाख के आसपास का सामान लेकर चंपत हो गए हैं। मामले में पुलिस पूरी घटना को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल भी कर रही है। मथुरा में समाजवादी पार्टी के नेताओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां सपा नेताओं ने प्लॉट पर कब्जे के मामले को लेकर अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया और हाथों में हथियार लहराते हुए अधिवक्ताओं को दड़ाते दिखे। पूरा मामला मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित महाविद्या कॉलोनी के सेक्टर G1 का है, जहाँ सपा महानगर अध्यक्ष युद्ध ब्रिगेड सतीश पटेल और 4 अन्य लोगों ने अधिवक्ताओं को तमंचे के बल पर दौड़ाया और उन पर जानलेवा हमला किया। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना की FIR दर्ज कर ली है। मामले में SP सिटी ने बताया कि जल्द ही ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बागपत में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जनपद के सिंहावली अहिर थाना क्षेत्र का, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक चौकीदार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पूरा मामला सिंहावली अहिर थाना क्षेत्र के पिलाना क्षेत्र का है, जहाँ देर रात पिलाना गाँव के पास मत्स्य फार्म पर 50 वर्षीय चौकीदार सुभाष की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और आला अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की कार्रवाई भी की जा रही है। आपके यहाँ पे पिलाने में एक मर्डर हुआ है, क्या मामला है? जो पुलिस आ रही है जांच करेगी। क्या लग रहा है आपको? किस मैं कुछ कह नहीं सकते भाई, अभी कहाँ का निवासी बताया जा रहा है? बुलंदशहर। बुलंदशहर का। ये यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहा है? लगभग 6-7 महीने। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिक्सन 9 अक्टूबर को आगरा आएंगी। 10 अक्टूबर को उनको ताजमहल और आगरा किला का दीदार करना है। उनके आने से पहले शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने उनकी एडवांस टीम आएगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल फरवरी में आने के बाद कोई राष्ट्राध्यक्ष ताजमहल का दीदार करेगा और डेनमार्क की प्रधानमंत्री का विमान 9 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे सीधे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। यहाँ से वो अमर विलास होटल जाएंगे। इसके बाद 10 अक्टूबर को उनका ताजमहल और आगरा किला देखने का कार्यक्रम है। बताया गया है कि रविवार सुबह डेनमार्क के प्रधानमंत्री के ताजमहल देखने के चलते 1.5 घंटे के लिए सुबह 6 से 7:30 बजे तक ताजमहल में पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी। ताजमहल देखने के बाद वो वापस होटल जाएंगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।